छत्तीसगढ़ की सियासत ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली है और चुनावी माहौल में घोषणा बनाम भरोसे की सियासत अब तेज हो रही है। सीएम भूपेश ने बीजेपी के वादों पर तंज कसा तो बीजेपी कांग्रेस पर जनता का भरोसा तोड़ने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर बड़ी तैयारी में है, जिसके संकेत पूर्व सीएम रमन सिंह के इस ट्वीट से जाहिर है। कांग्रेस की गारंटियों की काट ढूंढ रही बीजेपी अब जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोलना चाहती है, लेकिन चुनावी माहौल में कांग्रेस इसे सिर्फ एक जुमला बता रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, 2 करोड़ नौकरी का वादा भी पूरा हो गया। घोषणा कोई भी कर सकता है, लेकिन जनता को भरोसा सिर्फ कांग्रेस पर है। भरोसा तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता का टूट चुका है। विश्वास भरोसा तोड़ने का काम तो भूपेश जी ने ही किया है। जन घोषणा पत्र जनता हिसाब मांग रही है, पूछ रही है, और जन घोषणा पत्र के सारे 19 वादे अधूरे हैं, तो भूपेश उसका जवाब, भूपेश जी और उनकी सरकार जवाब दे कि पहला तो विश्वास जनता की तोड़ा है, तो अब जनता को दोबारा भूपेश सरकार पे भरोसा करने का कोई कारण ही नहीं बनता। घोषणा पत्र की तैयारी कर रही बीजेपी से पहले कांग्रेस जनता से कई वादे कर चुकी है, जिसमें किसान कर्ज माफी, 20 क्विंटल धान की खरीदी, 17.5 लाख आवास और जातिगत जनगणना शामिल है। लेकिन सीएम भूपेश ने तीखा हमला किया तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा, और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।